नमस्कार 5W1H देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरीन। एसपीजी सुरक्षा के नियमों पर केंद्र सख्त हो गया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि विदेश दौरे पर भी सुरक्षा कवर साथ रखना होगा। फिलहाल पीएम के अलावा सोनिया, राहुल और प्रियंका को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। मोदी सरकार के मुताबिक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की सुरक्षा पाने वाले लोगों को पूरे नियम का पालन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एसपीजी सुरक्षा पाने वाले लोग जब भी विदेश यात्रा करेंगे तब भी उनके साथ एसपीजी सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गांधी परिवार के तीन ही सदस्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही एसपीजी कवर मिला हुआ है। वहीं कांग्रेस इसे सरकारी निगरानी रखे जाने की मंशा से जोड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस आरोप को सिरे से नकार दिया है। इधर मुंबई के आरे में पेड़ कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि अब आरे जंगल में पेड़ों की कटाई नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पेड़ों की कटाई पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र सरकार 21 अक्टूबर तक मुंबई के आरे जंगल में अब और पेड़ नहीं काट सकेगी और न ही दूसरी गतिविधियां कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति को बहाल रखा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरे विकसित इलाका नहीं है और न ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पेड़ों की कटाई पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार ने अब तक कितने पेड़ काटे हैं। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा। This is a satisfying in this situation. This is a big relief, but it's a long battle ahead because there are many petitions which deals with regarding the RA being a ecological sensitive zone or a classified forest. 21 अक्टूबर तक तो आगे की तारीख दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक ही सरकार काम करेगी। आरे जंगल पर फैसले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट पर तंज किया है। महबूबा ने आरे के पेड़ों की तुलना कश्मीरियों से करते हुए विवादित ट्वीट किया और पूछा कि आखिर कश्मीरियों को बाकी भारतीयों की तरह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं है। आरे जंगल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर तंज कसा। पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने विवादित ट्वीट में पेड़ों की तुलना कश्मीरियों से की। महबूबा ने अपने ट्वीट पर लिखा, मैं खुश हूँ कि कार्यकर्ता आरे में पेड़ों की कटाई रुकवाने में सफल रहे, लेकिन आश्चर्य ये है कि आखिर कश्मीरियों को ऐसे ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं है। भारत सरकार दावा करती है कि कश्मीरी अब दूसरे भारतीयों के समान हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने कश्मीर के लोगों के मूलभूत अधिकारों को भी कम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आरे के जंगलों के मामले को कश्मीर से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। महबूबा मुफ्ती का ट्विटर अकाउंट उनकी बेटी इल्तिजा हैंडल करती हैं।